हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, यू मैं टीचर फ्रॉम सीएम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2 सर नंबर सेकंड फैक्टराइज का फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 4p² - 9q² तो इस टाइप के फैक्टराइज जिसमें टू टर्म होते हैं और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं होता। आपने 14.1 में देखा था कि यहाँ पे आप नंबर या फिर अल्फाबेट को आप कॉमन ले सकते थे, बट इस केस में क्या है, आप कॉमन नहीं ले सकते। देखिए, अगर यहाँ पे हम कॉमन होता तो हम इजली कॉमन लेते, बट यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में 49, 36, इसमें भी एक भी कॉमन नहीं है। ये सेकंड नंबर आपकी बुक में, आप जब बुक ओपन करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नंबर दिया हुआ है। सेकंड नंबर यहाँ पे है 63a² - 112b², तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। और फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में भी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर में कॉमन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो मैंने आपको क्लास 9 चैप्टर 9 में आपको बताया है कि फैक्टराइज के लिए आइडेंटिटी भी यूज होती है। तो देखिये, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 4 किसी भी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो आप इसको 2 स्क्वायर कर लीजिए। पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर हो गया। 9 भी किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर है ये, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर। तो देख लीजिए, 2 स्क्वायर और पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -3q² का क्या लिख सकते हैं, 3q का होल स्क्वायर। क्यों मैं लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ये बोथ नंबर में स्क्वायर है। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में भी ये पढ़ा है, जब एक में स्क्वायर होता है, दोनों में स्क्वायर है, तो आप इसको ऑल कॉमन स्क्वायर आप ले सकते हैं, होल में ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देख के कुछ लग रहा होगा कि हमने 9.5 में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें a² - b² यूज हो रहा था, मतलब आइडेंटिटी यूज हो रही थी। आपको पता है कि स्टार्टिंग नंबर a होता है एंड सेकेंड नंबर क्या होता है, b। तो a इक्वल हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2p, और b की जगह हम क्या ले लेंगे, 3q। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट कर दीजिए, यूजिंग द आइडेंटिटी, या फिर आप ये भी यूजिंग आइडेंटिटी की जगह आप ये सब भी चीज टाइप कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर है। जैसे वी नो a² - b² इक्वल a+b फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट a-b। आप यूजिंग आइडेंटिटी की जगह ये चीज भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि सब में आपको यूजिंग आइडेंटिटी की जगह आपको ये फॉर्मूला पता होता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b होता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पुटिंग करना है। a की जगह देखिए, स्टार्टिंग में a है, तो मैंने a की जगह क्या ले लिया, 2p, तो राइट कर दीजिए 2p। प्लस है, प्लस लगाइए। b की जगह आपको क्या पुट करना है, देखिए 3q, ये हो गया 3q, ब्रैकेट क्लोज ओपन कर लीजिए। a की जगह आपको क्या पुट करना है, 2p, माइनस है फॉर्मूले में, माइनस लगाइए। b की जगह आपको क्या पुट करना है, 3q। ये देखिए, ये भी आपके फैक्टराइज हो गया, मतलब इस टाइप से भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जब दोनों नंबर में कॉमन एक भी ना हो, तो उस केस में हम इस टाइप का फैक्टराइज का यूज करेंगे। अब देखिए, मैं आपको सेकेंड नंबर नहीं बता रहा हूँ अभी, सेकेंड नंबर से पहले मैं आपको थर्ड नंबर बताऊंगा कि थर्ड नंबर हमको कैसे फैक्टराइज करना है, और थर्ड नंबर का हम फैक्टराइज यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व 49 देखिए, कॉमन तो होगा नहीं यहाँ पे किसी का भी, क्योंकि 49 मतलब 7 × 7 = 49 होता है, और 36 का आप करेंगे तो 6 × 6 होता है, बट यहाँ पे 749 क्या है, किसी का एक स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 49 को हम 7² लिख सकते हैं, और x² है। -36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो देखिए 7² x² को हम 7x का होल स्क्वायर राइट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देखिए, आपको क्या लग रहा है, a² - b² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला। तो हम स्टार्टिंग में a है, तो a की जगह क्या ले लेंगे यहाँ पे, 7x, और सेकेंड वैल्यू क्या है, b6, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, वी नो a² - b² इक्वल क्या होता है, a+b,
और सेकंड क्या हो जाएगा a माइनस बी, या फिर आप a माइनस बी और a प्लस बी आगे पीछे आप कर सकते हैं। राइट कर दीजिए, a की जगह आपको क्या पुट करना है 7x प्लस b की जगह आप क्या पुट करेंगे 6, a की जगह आपको अगेन क्या पुट करना है 7x माइनस और b की जगह क्या पुट करना है 6, ये पुट कर दीजिए, हो गया आपका फैक्टराइज। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप यहाँ पे फैक्टराइज सीख रहे हैं, तो आपसे ये फैक्टराइज बनना चाहिए। अब देखिए आपको मैं सेकंड एंड फोर्थ बताता हूँ, ये आपको हल्का इसमें कॉमन लग रहा होगा कि इसमें भी कॉमन है और इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो इस टाइप के नंबर को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि फैक्टराइज करने के लिए हम टू मैथड का यूज करते हैं, एक तो होता है कॉमन, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे हम करेंगे फैक्टर और सेकेंड हो जाएगा प्राइम फैक्टर। तो आप 63 का तो आपको फैक्टर पता नहीं है, 63 किसके स्टेबल में आता है, और 112 का भी आपको नहीं पता है, तो इसके हम क्या यूज करेंगे प्राइम फैक्टर से हमें पता चलेगा कॉमन क्या क्या चीज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर, अल्फाबेट में तो कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये आप रफ वर्क में यूज करेंगे। प्राइम फैक्टर यूज कर लीजिए 63 का, तो किससे डिवाइड हुआ ये 7 से डिवाइड होगा, 7 9 9 3 से डिवाइड होगा 3 3 1 हो गया। अब ऐसे 112 का फाइंड कर लीजिए प्राइम फैक्टर, 2 से आप डिवाइड करेंगे देखिए क्या आ जाएगा 2 5 10 1 बचा यहाँ पे और 2 6 12 अगेन इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 4 और ये 1 बचा 8 आ जाएगा, सेम अगेन 2 से डिवाइड करना है तो 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7 7 1। अब देख लीजिए क्या क्या चीज इसमें कॉमन है, 7 यहाँ पे भी है और इस केस में भी क्या है 7, तो आपको एक चीज पता चल गई कि हम यहाँ पे कॉमन हमको क्या लेना है 7 7 यहाँ पे कॉमन लेना है, तो 7 आप दोनों में क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको फैक्टराइज में कॉमन भी यूज करना पड़ता है, तो 7 आप जब कॉमन लेंगे दोनों में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7 आपने तो 63 7 कॉमन ले लिया तो 3 3 मतलब 3 3 क्या होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ए स्क्वायर है क्योंकि ए स्क्वायर आपने कॉमन तो लिया नहीं तो ए स्क्वायर भी होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज है, आपने 7 कॉमन लिया है 100 में तो क्या बच रहा है 2 4 टाइम है मतलब 2 2 4 2 8 8 2 होता है 16, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और बी स्क्वायर, ये हो गया कॉमन। अब कॉमन के बाद आपको देखिए ये चीज तो फैक्टराइज अभी अच्छे से हुई नहीं, क्यों, क्योंकि अब हम किस केस में आ गए हैं, इस टाइप के नंबर में आ गए हैं, 9 किसी का स्क्वायर है, 16 भी किसी का स्क्वायर है और a यहाँ पे स्क्वायर में है, b भी स्क्वायर, तो आपको इसके आगे भी फैक्टराइज करना पड़ता है, तो इसको आप क्या राइट करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए 7 ब्रैकेट 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और a भी यहाँ पे किसी का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है और b यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों में आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग वैल्यू a होती है तो a की जगह आपको क्या पुट करना है 3a, सेकेंड वैल्यू होती है b तो b की जगह क्या करना है आपको 4b पुट करना है, तो राइट कर दीजिए फॉर्मूला, पहले राइट कीजिए यहाँ पे वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 7 तो यहाँ पे पहले से ही रहेगा, 7 हमें कहीं भी मिस नहीं करना है, 7 आप एक साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a की जगह आपको क्या पुट करना है 3a प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे 4b, सेम यहाँ पे भी a की जगह आपको पुट करना है 3a माइनस है b की जगह आपको क्या पुट करना है 4b, ये हो गया आपका फैक्टराइज, मतलब इस टाइप के नंबर आपके बुक में है तो आपको इस मेथड से आपको फैक्टराइज सॉल्व करना है। अब देखिए हम फोर्थ नंबर में आ जाते हैं, सेम ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको रफ वर्क में पता करना है, इसमें भी आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग नंबर है कॉमन भी हो रहा है क्योंकि ए भी 2 से डिवाइड होगा, ए भी 2 से डिवाइड होगा, क्या पता शायद और भी हाई नंबर है उसको हमको कॉमन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो प्राइम फैक्टर यूज कर लीजिए, 16 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 2 8 फिर 2 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 आएगा, 1 4 4 का आप कर लीजिए 72 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 36 अब आप डिवाइड करेंगे 1 18 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 3
थ्री वन। अब यहाँ पे देखिए फैक्टराइज चेक कर लीजिएगा, फैक्टराइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर फैक्टराइज आप मिस्टेक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ आपका मिस्टेक हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज कॉमन आपको मिल रही है, इस केस में आपको क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है, देखिए टू यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे भी टू है, ये भी टू, ये यहाँ पे भी टू, ये टू, ये टू, ये देखिए, मतलब यहाँ पे टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, दोनों केस में आपको 16 16 कॉमन मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ पे 16 का क्या करना है, कॉमन लेना है, 16 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में क्या है 16 है, 16 आप जब यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे। और एक चीज और है, आप 16 तो कॉमन ले रहे हैं साथ में, उसके साथ में 16 तो आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए आप फिर से आपको लास्ट में स्टेप में कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए नंबर में तो आपने ले लिया कॉमन, बट अल्फाबेट भी देखिए, यहाँ पे एक्स 5 टाइम है और यहाँ पे एक्स 3 टाइम, मतलब दोनों केस में x 3 टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, मतलब 16x क्यूब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे 16x क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा और माइनस, माइनस का साइन है। 114 में आपने क्या कॉमन लिया, देखिए 144 में ये आपने कॉमन ले लिया, लास्ट में क्या बचा है 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि फैक्टराइज हमको ये ऐसे करना है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, रफ वर्क का जो काम था। अब क्या आंसर आपका राइट है, अभी भी आपका आंसर राइट नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस है और 3 है, मतलब 3 यहाँ पे किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो आपको फैक्टराइज तब तक करना है जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 16x क्यूब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब देख लीजिए यहाँ पे भी फिर से किसी का एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की जगह एक्स और एक बी की जगह आपको क्या लेना है 3, तो राइट कर दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको फॉर्मूला भी पुट करना पड़ेगा, वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, राइट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, 16x क्यूब को तो आपको मिस करना नहीं है क्योंकि ये कॉमन दिया है पहले से, तो उसको आपको ले जाना है, तो ए की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए की जगह आपको पुट करना है x प्लस है, बी की जगह क्या पुट करेंगे आप 3 पुट कर दीजिए, ए की जगह आपको x पुट करना है और माइनस है, माइनस बी की आप क्या पुट करेंगे 3, ये हो गया आपका फैक्टराइज, ये क्या हो गया आपका फैक्टराइज, मतलब आपके बुक में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको इजीली आप फैक्टराइज करके बता सकते हैं कि हमें इसका फैक्टर्स कैसे सॉल्व करना है और इस टाइप के नंबर्स को हम फैक्टराइज कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी रिमाइनिंग क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या करना है, अपने से आपको प्रैक्टिस करना है और वो चीज आपको अपने से सॉल्व करके बताना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।